इसमें कभी 5% इंक्रीज होगा, कभी 10% इंक्रीज होगा, कभी 15% 20% में भी। अगर आप अपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो इसका, जैसा मैंने आपको बताया कि पर एनम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं और राजा अदनान, आप देख रहे हैं नसीम मार्केटिंग। आज हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे, प्लॉट या अपार्टमेंट। अगर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, और देखेंगे कि दोनों में कितनी इन्वेस्टमेंट है और इसमें रिस्क क्या है और बेनिफिट्स इसमें कितने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जाना चाहते हैं और आप अगर हैसल फ्री रहना चाहते हैं तो आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने में, अगर आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो पर एनम कंपेयर टू प्लॉट जो है वो ज़रा कम होती है। 8-12% आपका पर एनम आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है अपार्टमेंट में। और अगर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लॉट में कंपेयर टू अपार्टमेंट जो है वो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, अबाउट 15-17% पर एनम बनता है मिलता है। ये जो जब इसकी कैलकुलेशन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की निकाली जाती है तो ये तकरीबन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की कैलकुलेशन होती है, कोई 20-25 years की ये कैलकुलेशन निकाली जाती है। अपार्टमेंट में जो है वो आपको, जब अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो अपार्टमेंट में आपको ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता, आप ज़्यादा इसमें, क्योंकि आपकी वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है, आपको जैसा इंटीरियर है वैसा ही मिलेगा, आप कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। एज इट इज़ अपार्टमेंट को आप रहने देंगे, उसमें आप कुछ ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। प्लॉट में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप प्लॉट को अपनी मर्ज़ी का लेआउट प्लान कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको रेडी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो इसका, जैसा मैंने आपको बताया कि पर एनम 8-12% आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो कंपेयर जो प्लॉट है इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलता है, इसमें 15-18% आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है। लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन है, जैसे पहले बताया, वो लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड्स की होती है, आपका 20-25 years का आपका जो है वो कैलकुलेशन आप निकालते हैं, क्योंकि जो रियल एस्टेट मार्केट है ये साइक्लिस्ट मार्केट है, ये कभी बिल्कुल आपके जो परसेंटेजेस हैं ये कभी बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। किसी ईयर ये 5% होते हैं, किसी ईयर 10%, किसी ईयर जो है वो 20% भी हो जाते हैं, 30% तक भी इंक्रीज़ कर जाते हैं, और समटाइम्स ये ज़ीरो पे भी आ जाते हैं। इसी तरह स्टॉक्स में भी यही होता है। अगर आप स्टॉक्स को देखते हैं तो वो भी आप अगर उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं तो 25 years तक मिनिमम आपकी जो है वो कैलकुलेशन होती है। तो स्टॉक्स में कभी 25% किसी ईयर रहता है, किसी में 15%, किसी में 20%। तो ये अप एंड डाउन इनके चलते रहते हैं। अब हम बात करेंगे अपार्टमेंट बाय करने में। अपार्टमेंट में आपको ये फ़ायदा होता है, अगर आप हैजल फ्री रहना चाहते हैं, आप अपने प्लॉट की लुक आफ्टर नहीं कर सकते, आप उसको बाय करने में आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि इसके साथ दोनों प्रॉपर्टीज़ को बाय करने के जो है वो स्पेशली प्लॉट के जो है वो रिस्क हैं। आप अपार्टमेंट में जब जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको स्टेट वे उसकी रेंटल इनकम आ जाती है, आप उससे अपना रेंट भी एज ए उसको प्रॉफिट कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहती है, आपकी प्रॉपर्टी की जो है वो उसकी मेंटेनेंस वो चलती रहती है, क्योंकि अपार्टमेंट एक कम्प्लेक्स में होता है, एक बिल्डिंग के अंदर होता है, तो वो एक सिक्योर आपका जो है वो इन्वायरमेंट रहता है वहाँ का। उसमें ये होता है कि जब तक आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे है, आप उसके बाद आप उसके बाद में आपकी प्राइस बाय द टाइम ऑफ सेलिंग, जब आप अपना अपार्टमेंट सेल करेंगे तो उसकी डेफिनेटली एक अपनी जो उसकी एक्चुअल अमाउंट थी वो भी डेफिनेटली काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी सारी कैलकुलेशन जब निकालते हैं तो वो ये बनता है कि 8-12% आपको अपार्टमेंट का पर एनम आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मिलता है।
अगर हम इससे प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट में ये रिस्क है कि आपको प्लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे प्लॉट परचेज करना पड़ता है जो कि इकोनॉमिकली बेटर एरिया हो, आप अच्छे एरिया का इंतखाब करते हैं, अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अगर ले रहे हैं अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं। लेट्स से अगर आप कहीं ओपन एरिया में लैंड परचेज़ करते हैं तो वो आपको फिर बहुत सी चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि वो अप्रूव्ड है, वो ब्राउन एरिया है, ग्रीन एरिया है, क्योंकि सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपको कमर्शियल एरिया दिखा के और बाद में जो है वो एग्रीकल्चर लैंड सेल कर दी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंटेशनल कुछ वर्क हैं, वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इस पर हम वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या एहतियात करनी पड़ती है जब आपने ओपन लैंड बाय करनी है या प्लॉट परचेज करना है। तो हम नॉर्मली अगर हम प्लॉट की बात करते हैं जो कि हाउसिंग किसी प्रोजेक्ट में आप प्लॉट बाय करते हैं तो सबसे पहले आपको वो एरिया देखना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल डेड एरिया में बाय करेंगे जो इकोनॉमिकली बहुत लो एरिया है तो उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम होगा और कई सालों साल लग सकते हैं आपको रिटर्न मिलने में। उसके कंपेयर अगर थोड़े वेल ऑफ एरिया में आप रहेंगे या किसी अच्छे एरिया में प्लॉट बाय करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी इंक्रीज होगी और आपको उसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह अगर आप प्लॉट पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप जैसे पहले बताया अपनी मर्जी का लेआउट तैयार कर सकते हैं और वो भी रेंट आउट प्रॉपर्टी कर सकते हैं, लेकिन वो प्लॉट पर प्लस कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, प्लॉट और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वो रेडी हो जाएगी और वो डेफिनेटली अपार्टमेंट की तरह उसकी प्राइस बन जाएगी या मोर देन अपार्टमेंट बन जाएगी, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ प्लॉट और डिपेंड ऑन द एरिया। तो प्लॉट में जो है वो आपके रिस्क ये रहते हैं कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट पे फाइल है, आपने उसको इंस्टॉलमेंट पे लिया है और उसको आपने बाद में पे ऑफ करना है तो ये देखना पड़ता है कि आइदर जिससे आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या डिलीवर करता है, उसने डिलीवर किया है, उसकी प्रीवियस रिप्यूट कैसी है और क्या वो ऑन टाइम डिलीवर करता है। तो इसमें रिस्क ये बनते हैं कि अगर लेट्स से आपने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट परचेज़ किया है तो वो आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि आपके प्लॉट का आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है अगर कंपनी उसको डिले कर दे। नॉर्मली जो बिल्डर्स हैं या कंपनी है अक्सर औकात जो है वो डिलीवरी जो है उसकी डिले हो जाती है जिस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम के लिए स्टॉक रहती है और आपका उसका रिटर्न आने में आपको कई सालों साल वेट करना पड़ता है। तो ये कुछ रिस्क होते हैं जो कि आपको प्लॉट्स में आते हैं। तो ईजी टू बाय जो प्रॉपर्टी बनती है वो अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में आपको एक आपको बिल्कुल इसमें अगर आप हम टैक्सेस की भी बात करते हैं तो टैक्सेस के हवाले से भी हमें अपार्टमेंट के अंदर कंपेयर टू प्लॉट जो कि प्लॉट में बहुत टैक्सेस देने पड़ते हैं, रिसेंटली टैक्सेस इंक्रीज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आपके टैक्सेस भी ज़्यादा लगते हैं। आप प्लॉट के ऊपर घर बनाते हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तब आपको टैक्सेस में कुछ छूट मिलती है, नहीं तो आपको बहुत हैवी टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो अपार्टमेंट में आपको टैक्सेस में भी छूट मिलती है कंपेयर टू प्लॉट जो है आपके टैक्सेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह प्लॉट में इन्वेस्ट करने का सबसे सॉरी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी आपको अच्छा मिलता है। प्लॉट के कंपेयर अच्छा नहीं मिलता क्योंकि प्लॉट में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है जैसे बताया कि पर एनम 15-17% बनता है, 15-20% तक इसका पर एनम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जो अपार्टमेंट का है वो 8-12। लेकिन जो लोग ज़्यादा अपने प्लॉट को देख नहीं सकते या पीछे नहीं जा सकते या प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते, समटाइम्स जो बिल्डर्स हैं वो आपको जो टाइम देते हैं आपकी प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो वो भी अक्सर औकात ऑन टाइम डिलीवर नहीं करते। तो फिर हमारे पास जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी आती है या अवेलेबल आपके पास सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी अपार्टमेंट की बनती है। आप अपार्टमेंट को बाय कर लेते हैं क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है और उसमें आपको
कुछ ज़्यादा आपको उसमें हेडिक या कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशनल वर्क और अदर थिंग्स की इतनी ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो LDA अप्रूव्ड हैं या रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उससे अप्रूव्ड होता है स्टार्ट करने से पहले। तो वो आपके लिए एक अच्छी रेंटल इनकम भी आपकी उससे अच्छी आ जाती है, और दूसरा आपको अगर आप उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं तो पर एनम उसका 8-12% आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। तो जो लोग ज़्यादा केयर नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते या प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए एक इजी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी अपार्टमेंट्स की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपार्टमेंट्स बाय करना चाहिए जो अपनी रीज़नेबल रेंटल इनकम को लेना चाहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर रखना चाहते हैं, और उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये एरिया पे डिपेंड करता है कि आपने अपार्टमेंट कहाँ पे बाय किया है, आप कौन से एरिया में, डेवलप एरिया में बाय कर रहे हैं या अनडेवलप एरिया में बाय कर लेते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द लैंड, अकॉर्डिंग टू द एरिया कैलकुलेशन निकलती है, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन और रेंटल इनकम तय की जाती है। क्योंकि रियल एस्टेट कभी भी इक्वली ऑल ईयर नहीं चलता, इसमें कभी 5% इंक्रीज होगा, कभी 10% इंक्रीज होगा, कभी 15%, 20%, मे बी 35-40% भी इसका पर ईयर इंक्रीज हो सकता है, और सम टाइम ये 0% इंक्रीज होता है। तो इसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह आप इन दोनों को जो है वो इन दोनों का प्लॉट और अपार्टमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी बेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो आप अगर कहीं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बेटर एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।